गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम कक्षा 10वीं के विषय आर्थिक विकास की समझ का पाठ 3 मुद्रा की शाखा साख का दो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ऋण की शर्त और भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख। तो हम पहले ऋण की कुछ शर्तों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमने पहले इसको पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हम इसको जो थोड़ा बहुत बाकी बचा था उसके आधार पर इसको आज समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं, खत्म कर देंगे इस टॉपिक को आज। हर ऋण समझते हैं ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिससे कर्जदार महजन के मूल रकम के साथ अदा करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक रकम होती है, जो रकम आप लेते हैं ऋण के रूप में, उसके साथ एक ब्याज दर को जोड़ दिया जाता है। यानी कि कुछ ईएमआई रेट आपके साथ जोड़ दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट, उसके साथ आपको उसको भी पे करना होता है, क्योंकि ये एक तरीके से ऋण के ऊपर लगने वाले ब्याज दर को दर्शाता है। इसके अलावा कई आधारगत चीजें भी रखी जा सकती है। गिरवी रखने की भी प्रतिक्रिया होती है कि मांग मांग कर सकता है, यानी कि जो ऋण दे रहा है वो आपसे कोई उस मनी वैल्यू के बराबर की कोई भी वस्तु आपको रखने के लिए कह सकता है कि आपको वो वस्तु उसके पास रखनी पड़ेगी जो उसका मूल्य उस वस्तु जितना आप रकम ले रहे हैं उससे थोड़ा अधिक हो। जैसे कि आप संपत्ति में जैसे क्या कह सकते हैं, समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसकी मालिक कर्जदार हैं, जिससे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंक में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधार उधार दाता की गारंटी देने के रूप में करता है जब तक ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋण आधार बेचने का अधिकार होता है। यह संपत्ति जैसे जैसे कि जमीन, बैंक में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋण आधार के आम उदाहरण है, जिसे उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। यानी ये सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार का ऋण लेते हैं तो ऋण के साथ साथ आपको उसकी पूंजी के बराबर का कोई वस्तु उनके पास सामने गिरवी रखना पड़ता है। और अगर आप ऋण देने में असमर्थ होते हैं, अगर आपने जितना भी लोन उठाया है अगर वो लोन आप नहीं पे कर पा रहे हैं, तो यानी उधारधार जो है, जो उधार दिए हैं आपको, वो उनका हक बनता है, उनका राइट्स है कि वे आपकी कोई भी वस्तु जो आपने ऋण पे रखी थी उस समय उसको बेचकर अपना पैसा निकाल सकें या उसको जब्त किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें ऋण के नियम के आधार पर आती है। आवास ऋण का आपने नाम बहुत सुना होगा। आवास ऋण आजकल बहुत मान्य रूप से सुनने में मिल रहा है। आवास ऋण, इसका नाम आप बहुत सुन रहे होंगे, होम लोन जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश में हम इसी को होम लोन कहते हैं। होम लोन आजकल आम चीज है, हर दूसरा व्यक्ति होम लोन लेने के लिए रहता है, क्योंकि आजकल के टाइम पे घर बनाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए ऋण का कार्य होता है। आपको इसमें एक कहानी सुनाई जा रही है, इस कहानी के आधार पर आपको लोन के बारे में बताया जा रहा है। एक लेडी है जिनका नाम मेघा है, उन्होंने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए कर्ज लिया, और इस कर्ज में ब्याज की वार्षिक दर 12% थी। यानी 5 लाख पे 12% का ब्याज देना था हर वर्ष में, वार्षिक थी ये है, और इसकी कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। यानी कि 10 साल के अंदर ये किस्त खत्म होगी। यानी कि जो ये 5 लाख की रकम का जो ब्याज दर के साथ जुड़ करके जो पेमेंट करना है वो 10 साल तक पेमेंट करते ही रहना है, ये 10 साल बाद खत्म होगी।
मेगा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी व वेतन संसाधन रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। यानी अगर जब आप कभी भी लोन लेंगे तो आपको अपनी इनकम कितनी है वो दिखानी पड़ेगी, और आपके पास किस प्रकार की नौकरी है ये दिखानी पड़ेगी, क्योंकि लोन भी उसे ही प्रोवाइड करते हैं जो लोन पे कर सकता है। अगर लोन पे ही नहीं कर सकता उस व्यक्ति को लोन नहीं दिया जा सकता। अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं, कोई साधन नहीं है रोजगार का, आपके पास कोई नौकरी या चाकरी नहीं है, कोई पेशा नहीं है, तो आपको लोन नहीं मिल सकता। अगर आपके पास ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं तो आप लोन पा सकते हैं। उस पर भी इनकम भी डिपेंड करती है कि आपकी रकम के आधार पर आपकी इनकम कितनी है, जिसके हिसाब से आपका ब्याज दर आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 5,000-6,000 रुपए तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आपकी वही सैलरी 25,000-30,000-40,000 रुपए से ऊपर है तो आपको वो लोन मिल सकता है, और आपको उस लोन रेट के हिसाब से आपको उसके ब्याज भी पेमेंट करने होंगे। मेगा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। बैंक नए घर के सभी कागज ऋण आधार के रूप में रख लेता है। यानी कि उसके जो जितने भी घर के कागज हैं वो अपने पास रख लेता है, जिन्हें मेगा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। यानी कि जब वो ब्याज दर दे देगी, जब पूरा ब्याज कंप्लीट कर देगी, जितना उसका पेमेंट है वो पूरा दे देगी, तब वो पेपर्स उसको दे दिए जाएंगे। मेगा के आवास ऋण निम्नलिखित वितरण है। ऋण की राशि रुपए, वो सब आपको समझाने के लिए था। यानी कि इसमें ये कहने का अर्थ है कि अगर आपको होम लोन भी चाहिए तो आपकी सबसे पहले इनकम इम्पोर्टेंट करती है, यानी कि आय। आय नहीं होगा तो आपको कोई भी प्रकार का लोन नहीं मिल सकता है। इसलिए आय का अच्छा होना महत्वपूर्ण है, आय होना चाहिए या फिर इसी के बराबर की संपत्ति होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो वहां पर रख करके आप लोन उठा सकें। अब आगे बढ़ते हैं। ब्याज दर समर्थक ऋण आधार आवश्यक कागजात और भुगतान की तारीख को सम्मिलित रूप में ऋण की शर्त कहा जाता है। यानी कि कुछ इसमें तरीके हैं, जैसे कि आपका ब्याज दर जितना है वो फिक्स रहेगा, समर्थक ऋण आधार क्या है वो फिक्स रहेगा, आवश्यक कागजात जो आपके आपके हैं और भुगतान करने की तारीख सम्मिलित, दोनों ये चीजें आपकी फिक्स रहती है, तब तक आपको पैसा जमा करना ही करना होता है। ऋण की शर्तों में ऋण व्यवस्था से दूर व्यवस्था में काफी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्त उधार धारता दाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। आगे अगले भाग में उदाहरण लिए गए जिन्हें विभिन्न अवस्थाओं में देखा जा सकता है। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें बिहेवियर पर डिपेंड करता है, यानी कि किस प्रकार का बिहेवियर आपको ऋण देने वाले का है और किस तरीके का बिहेवियर लेने वाले का है। अगर लेने वाले का जो तरीका है वो सही प्रकार से है, वो सही टाइम पे अगर पेमेंट कर रहा है, सही तरीका है उसका, ब्याज दर सही रूप से दे पा रहा है, सारी चीजें हैं, तो उसकी बहुत जल्दी वो सर्विसेज खत्म हो सकती है। लेकिन अगर वही चीज लेट नतीजे पैसे होगा तो वो चीजें आगे बढ़ करके दिक्कत भी दे सकती है। तो इसी तरीके की चीजों को सुधारना और आवश्यकता होती है इसमें ऋण व्यवस्थित रूप में। ऐसे इसमें कई सारे ऋण बताए गए हैं, जैसे आपकी किताब में बताए गए हैं, विविध प्रकार की शाखा प्रबंध एवं गांव के काम का उदाहरण, गांव में भी ऐसे प्रकार के छोटे मोटे लोन मिल लेते हैं, जैसे खेती के लिए लोन दिया जाता है, कृषि लोन जिसे कहा जाता है, जिसमें आप फसल उगाते हैं, आपकी खेती का भी लोन होता है, उसके ऊपर भी फसल उगाने के ये सब चीजों के ऊपर ऋण दिया जाता है, सहकारी समिति और ऋण, ये सारी चीजें जो ऋण से संबंधित होती है, ये सबको आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख। हमने ऊपर के उदाहरण में देखा है कि लोग विभिन्न स्रोत से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋण को दो वर्गों में बांटा जाता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण। पहले वर्ग में बैंक और सहकारी समितियों से लिए कर्ज आते हैं। औपचारिक उधार में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि आते हैं अनौपचारिक में। औपचारिक में कौन से होते हैं बेटा? औपचारिक में आपका बैंक आ सकता है, यानी औपचारिक जो है बैंक है, बैंक आपको औपचारिक ऋण देता है। और अनौपचारिक में जैसे आप किसी से पर्सनली लोन ले रहे हैं, या कहीं आप
साहूकार से पैसा ले रहे हैं या किसी रिश्तेदार से पैसा ले रहे हैं, ये अनौपचारिक है, क्योंकि वह आपका कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं कोई ऐसे कागज पत्रों पर नहीं लिखा गया है कि वो एक रूप से सामान्य ऋण माना जाए, इसलिए इनको अनौपचारिक ऋण कहा गया। औपचारिक ऋण बैंक से लिया जा सकता है और कई पर्टिकुलर ऐसी जगह से लिया जा सकता है जहां से कर्ज के लिए आपको पक्का कागज सबूत के साथ दिया जा सके, जहां पे आपको एक सीमित समय के अंदर देना होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साहूकार, व्यापारी या मालिक, रिश्तेदार, इन सबसे अनौपचारिक ऋण लिया जा सकता है। अब इसके आगे हम अगली क्लास में देखेंगे, आज क्लास इतना ही, थैंक यू।